हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ सोशलिस्ट थिंकर्स के आइडियाज बताए थे। कौन थे वो सोशलिस्ट थिंकर्स? तो रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक, इनके आइडियाज मैंने डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि इन लोगों का सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाने का पर्सपेक्टिव क्या था, कोऑपरेटिव होना चाहिए। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने भी और लुइस ब्लैंक ने भी, दोनों ने कोऑपरेटिव की बात करी। ठीक, एक ने बोला इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे कोऑपरेटिव बनना चाहिए, दूसरे ने बोला कि गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटेट करना चाहिए सारी चीजों को कोऑपरेटिव्स को। ठीक है, अभी देखो क्या है। तो ये जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, मैंने बताया आपको कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे, फिलोसोफर्स जो थे, जो थिंकर्स थे, वो आगे क्या करते चले गए, एडप्ट करते चले गए चीजों को। तो यहां पर फिर एडप्ट होता है। अब कौन एडप्ट करते हैं? अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों मिलके कुछ एडप्ट करते हैं। और ये जो एडप्ट करते हैं, वो ऐसा एडप्ट करते थे कि रेवोल्यूशन आ जाता है। कहां आता है रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन आता है रशिया में। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन का जो कह सकते हैं फाउंडेशन जो था, तो वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स को कंट्रीब्यूट किया जाता है, फ्रेडरिक एंगल्स को कंट्रीब्यूट किया जाता है। मजे की बात क्या है, दोनों दोस्त थे। दोनों की दोस्ती कैसे होती है? कार्ल मार्क्स जर्मनी से थे, जर्मनी में उन्होंने अपना काम जो भी था, पढ़ाई वढ़ाई करी, फिर वो कहाँ चले गए? फिर वो चले जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में बैठ के लिखते हैं वो, इंग्लैंड में बैठ के लिखते हैं, उनकी दोस्ती होती है फ्रेडरिक एंगल्स से, दोनों मिलके लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि रेवोल्यूशन आ जाता है। क्लियर है? तो अब इनका आइडिया क्या था, इन्होंने क्या आइडिया एडप्ट किया सोशलिस्ट सोसाइटी में, या फिर सोशलिज्म के आइडिया में इन्होंने क्या एडप्ट किया, वो हम पढ़ते हैं। देखो, दे एडेड सम मोर आर्ग्यूमेंट्स इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। क्या ऐड किया? उनका यह मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो होती है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है। मतलब कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट होती है। कैपिटलिस्ट क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। तो जो कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी है ना, मैंने बताया था कि इंडिविजुअल्स जो रहते हैं, जिसमें जितनी कैपेसिटी वो उतना आगे बढ़ते चले जाए, तो उसी से रिलेटेड है। वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, इंडस्ट्रीज को कैपिटलिस्ट कंसिडर करते थे कार्ल मार्क्स। ही आर्ग्यूड दैट द ओनर्स इन्वेस्टेड कैपिटल इन फैक्ट्रीज एंड प्रॉफिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। मतलब ओनर्स क्या करते हैं, फैक्ट्री में एक बार पैसा लगा देते हैं बस, कि उन्होंने क्या कर दिया, प्लांट सब सेटअप कर दिया है, फैक्ट्री में सारी मशीनरीज लगा दी है। अब क्या है कि जो प्रॉफिट आना है, तो प्रॉफिट ओनर की वजह से नहीं आ रहा है, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। प्रॉफिट तो वर्कर्स बेचारे काम कर रहे हैं दिन रात, वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को बेचकर आप प्रॉफिट पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स यही बोलते थे कि कैपिटलिस्ट, जो हमने डिस्कस किया पहले भी, कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ओनर्स ने क्या किया, पैसा लगाया है, सिर्फ उन्होंने पैसा लगा दिया है, और फैक्ट्रीज में जितने भी प्रॉफिट जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बट द प्रॉफिट गोज इन टू द हैंड ऑफ ओनर। लेकिन जो प्रॉफिट जो किसने प्रोड्यूस किया है, प्रॉफिट प्रोड्यूस किया है वर्कर्स ने, तो वर्कर्स ने जो प्रॉफिट प्रोड्यूस किया है, वो सारा का सारा प्रॉफिट जाता कहां था, इन टू द हैंड्स ऑफ ओनर, ओनर्स के पास सारा प्रॉफिट चले जाता था। एंड द कंडीशन ऑफ वर्कर वुड रिमेन सेम। और वर्कर की जो कंडीशन है, वो बेचारे हमेशा सेम कंडीशन में रहते हैं, वो कभी ऊपर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट प्रोड्यूस बेशक वही कर रहे हैं काम करके, लेकिन प्रॉफिट जाता तो ओनर के पास में है। तो इस सेंस में कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि गलत है, सरासर गलत है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी लेके चलती है, कि सारा पैसा एक आदमी के पास है, जिसने एक बार पैसा लगा दिया, इंडस्ट्री लगा दी है। तो उस सेंस में क्या ये गलत है। ठीक है, मेन मोटिव पर्सनल गेन, नॉट दी वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। और ये भी बोलते हैं कि जो ओनर्स है, ओनर्स के पास में जब पूरा पैसा गया है, तो ऐसा भी नहीं कि ओनर्स पैसा बांट रहे हैं प्रॉफिट का, उस समय की बात कर रहा हूं। देखो आज चीजें बदल गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, आज जो हम कैपिटलिज्म देखते हैं, तो बहुत पॉजिटिव कैपिटलिज्म है, ओनर जो रहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रॉफिट। लेकिन उस समय पे क्या होता था, उस समय पे मतलब ओनर सारा पैसा अपने जेब में डाल लेते थे, वर्कर्स की कंडीशन कभी सुधरती नहीं थी। क्यों? क्योंकि ओनर्स का मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना रहता था। ठीक है, वर्कर्स से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, वेलफेयर ऑफ वर्कर उनके ऑब्जेक्टिव में नहीं था कहीं ना कहीं। तो इस चीज को कार्ल मार्क्स गलत बताते हैं, बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, गलत है। अब इससे ऊपर आने का सोल्यूशन भी दे देते हैं कार्ल मार्क्स। देखो ये तो उन्होंने क्या बताया है, कि ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, ये एक सोशलिस्ट सोसाइटी की डिमांड है, कि आपको सोशलिस्ट सोसाइटी क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी इस तरीके से खून चूस रही है वर्कर्स का। ठीक है, लेकिन आप बनाओगे क्या फिर? तो वो बोलते हैं, देयरफॉर मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री दैट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट। यहां पर ऐड कर लेना, मार्क्स बिलीव दैट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, यहां ऐड कर लीजिए, दैट वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू फ्री themselves फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, कि वर्कर्स को अगर अपने आप को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से फ्री करना है, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, वर्कर्स हैड टू
workers had to construct a radically socialist society. उन्हें क्या करना होगा? They are required to overthrow the capitalist society. जो capitalism का idea है उसे हटाना होगा, private property को हटाना होगा. कौन हटाएगा? Workers ही हटाएंगे. Workers should took over the property. Workers को उन सारी property के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए. कैपिटलिस्ट सोसाइटी के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए. एक बार जब आप कब्जा कर लोगे तो फिर क्या है, सारा वर्कर्स के अंडर में आ गया और फिर उसके बाद में वो आप अपने हिसाब से एक सोशलिस्ट सोसाइटी एस्टेब्लिश करेंगे. कैसे? तो ये वही बताया, बाय ओवरथ्रोइंग रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग दी प्रॉपर्टी सोशली. ठीक, मतलब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओवरथ्रो कर दें और सारी प्रॉपर्टी जो भी है सोसाइटी में उन्हें सोशली कंट्रोल करें, सामाजिक रूप से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें. और इस सेंस में क्या होगा, इस सेंस में जो अल्टीमेटली सोसाइटी बनेगी तो वो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी. अभी देखो एक अंदर की बात बताता हूं, अंदर की बात मतलब चैप्टर के बीच में जो छुपी हुई बात है वो बताता हूं. यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर कार्ल मार्क्स कैसी बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने की. मतलब आप कम्युनिस्ट सोसाइटी कब बनेगी, जब वर्कर्स सारी चीजों को टुक ओवर कर लेंगे, कैपिटलिस्ट जितने भी हैं सारे लोग हट जाएंगे रास्ते में से, सारा सब कुछ वर्कर्स के कंट्रोल में होगा. ठीक है, अब जब हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होगा, उसमें एक बीच की लिंक आती है. रशियन रेवोल्यूशन मतलब क्या है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी से कम्युनिस्ट सोसाइटी के बनने की बीच की कहानी है सोशलिस्ट सोसाइटी. ठीक, इस तरह से जैसे ये कैपिटलिस्ट है, ठीक है, और ये कम्युनिस्ट है, तो ये कम्युनिस्ट बनाना है, कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया है. ठीक है, अब यहां से यहां तक जाना है आपको तो बीच में आपको किसकी मदद लेना होगी, वो कौन होगा, गवर्नमेंट होगी. तो गवर्नमेंट जो बीच में सपोर्ट करेगी तो गवर्नमेंट सोशलिज्म के थ्रू ले जाएगी आपको. सोशलिज्म गवर्नमेंट का रास्ता होगा, जो हमने देखा था कि कोऑपरेटिव शुड बी एनकरेज्ड बाय गवर्नमेंट. तो वहां पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है ना, तो वही चीज हम देखेंगे कि रशिया में भी होता है. क्या, कि रशिया में बीच में एजेंट की तरह कौन आता है, रशिया में बीच में एजेंट की तरह गवर्नमेंट काम करती है और वो गवर्नमेंट सोशलिज्म के रास्ते कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश करेगी. कम्युनिस्ट सोसाइटी जो कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया था कम्युनिस्ट सोसाइटी का, कि क्या जहां पे वर्कर्स टुक ओवर कर ले, वर्कर्स शुड ओवरथ्रो द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी सोशली. ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टी को कौन कंट्रोल करेगा, वर्कर्स कंट्रोल करें, सोशल लेवल पे सोसाइटी कंट्रोल करे. क्लियर है? तो ये कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स के आइडिया थे, दोनों के मिलकर आइडियाज थे. ठीक है, ये आपको मैंने बताया. तो अब हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ चुके हैं कि आइडियोलॉजिकल बेस क्या था, किस तरह से जो प्रोपाउंडर्स थे उन लोगों ने क्या आइडिया दिया, कार्ल मार्क्स ने, रॉबर्ट ओवन ने, लुइस ब्लैंक ने, फ्रेडरिक एंगल ने क्या कंट्रीब्यूट किया सोशलिज्म आइडियोलॉजी को इवॉल्व होने में, कैसे उन्होंने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को कंस्ट्रक्ट किया है, वो सारा सब कुछ बता दिया. अब आइडिया तो आ गया, अब ये आइडिया का सपोर्ट कैसे बढ़ा. ठीक है, मतलब ये जो हमने आइडिया डिस्कस किया, इस आइडिया का सपोर्ट कैसे बढ़ते चलेगा या कहां पर सपोर्ट कैसे बढ़ता चलेगा, यूरोप में, रशिया में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. magnetbrainsbhopal पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrainsbhopal. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.